कपकोट के चिरपतकोट मंदिर में आयोजित भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा मनोती मांगी। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भागवत कथा का श्रवण किया। इस मौके पर व्यास स्वरूप पंडित जी ने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता का स्थान भी देवी देवताओं से ऊपर बताया गया है। पंडित जी ने युवाओं से नशे की प्रवृत्ति त्यागते हुए अध्यात्म की ओर अपना रुझान बढ़ाने की अपील की। मंदिर के व्यवस्थापक गणेश उपाध्याय ने बताया कि श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। यह एक कपकोट का एक मुख्य मंदिर इसको माना जाता है। कोट का इसका एक दर्जा दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक न्याय के देवता भी इन्हें माना जाता था। और यह आज मेरा भी सौभाग्य, हम सभी भक्त जनों का सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का हमें एक सौभाग्य मिला, हमें प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और ब्यास जी का और सभी भक्त जनों का, जिन्होंने इतनी ऊँचाई में आकर इस भगवान की जो आस्था को और बढ़ाया है। और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि विकसित करने की जरूरत है। बहुत ही अद्भुत धामों में से एक है। मैं यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी और अभी अपने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में इसे वैष्णो देवी के तर्ज पर विकसित किया जाए। यहाँ पर जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हिमालय का पूरा बॉर्डर यहाँ से नजर आ रहा है, तो हम सब यहाँ पर एकजुट होकर इसको एक आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। सबसे निवेदन करता हूँ कि इस जगह पर आ करके आप लोगों ने इस स्थान की शोभा बढ़ाई और यहाँ पर जो कथा का वाचन हो रहा है उसको आप सुन करके पुण्य के भागी बनेंगे तथा कथा सुनने के बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा है तो उसका भी आप प्रसादी ग्रहण करके ही जाएंगे। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। उन्होंने इसमें शांति कुंज हरिद्वार का जो गायत्री यज्ञ है और गायत्री जो हम लोग करते आए हैं कटपुरे शांति कुंज हरिद्वार में इसका केंद्र है, तो इसी बीच में हमने कल यज्ञ किया था गायत्री यज्ञ का। तो यहाँ आकर के मैं छठी बार विद्यार्थी जीवन में भी आया था। यह एक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्र रहा है। जो मानस खंड और केदार खंड हैं हमारे उत्तराखंड के, यह आदिकाल में सतयुग में मानस खंड जो ऋषि मुनि की तपोस्थली थी उसकी राजधानी रही। यहाँ पर राजा थे और जो यहाँ के पूरे क्षेत्र को कमांड करते थे उसकी राजधानी भी थी। उस लेकिन काल कल्पित के अनुसार खंडित हो गई। अब समय आ गया है कि इसका विकास विश्व स्तरीय केदारनाथ, बद्रीनाथ और के धाम के तौर पर इसका विकास होना जरूरी है। और इसके लिए भराड़ी से अप टू नेली, नेली से अप टू इस चिरपतकोट में रोपवे और सड़क तो बनी रही है, रोपवे से भी अच्छे अच्छे जो विदेशी दर्शक हैं वो आएंगे। और इसको हम एक विश्व का जो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, जो आज भारत की जो प्राचीन प्रथा थी, क्योंकि आज पूरे विश्व आध्यात्मिक की ओर जा रहा है और जो जिसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा। और यह गायत्री परिवार हमारा जो शांति कुंज का मिशन है, वसुधैव कुटुंबकम और का लक्ष्य है। सही देव का मंदिर और उनके साथ बाण देवताओं के मंदिर बहुत छोटे थे। वर्ष 2009 में भगवान की ही प्रेरणा से यहाँ मंदिर को भव्य बनाने का एक संकल्प लिया गया था और जनप्रतिनिधि के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से अब मंदिर भव्य रूप ले चुका है। 2 नवंबर 2009 को तत्कालीन विधायक श्री शेर सिंह गड़िया जी के कर कमलों के द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया गया और उसी दिन संकल्प लिया गया था कि ये क्षेत्र की एक विहंगम पहाड़ी पर स्थित मंदिर है जहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न अन्य कोई संसाधन है। तो यहाँ एक संकल्प लिया गया कि माता से आराधना की गई कि मंदिर जब भव्य बनेगा तो यहाँ देवी भागवत का अनुष्ठान किया जाएगा। 11 साल के बाद गुरु गोरखनाथ की कृपा से
यहाँ श्री देवी भागवत का आयोजन शुरू हुआ इस बार 24 फरवरी से, जिसका समापन पूर्णाहुति 4 मार्च को होगी। और ये एक दुर्गम क्षेत्र भी मैं कह सकता हूँ कि जहाँ आदमी पैदल चलने के लिए भी तैयार नहीं होता है, लेकिन ये बाबा की ताकत है कि यहाँ बिहार से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और स्थानीय अन्य ये तो इलाकों से यहाँ भक्तजन दौड़े दौड़े आ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री बलवंत सिंह भोरियाल जी के सहयोग से यहाँ अब 2 शौचालय बन चुके हैं और बिजली की लाइन यहाँ पहुँच चुकी है। और तत्कालीन विधायक श्री शेर सिंह गड़िया जी के सहयोग से यहाँ पानी की लाइन भी बन चुकी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरी सेठानी जी के सहयोग से ये पैदल मार्ग का निर्माण चल रहा है। और पूर्व सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद के सहयोग से भी इसके सुंदरीकरण कार्य में सहयोग मिला। खास तौर पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये एक भवन है, क्योंकि इस मंदिर के आगे एक चट्टान थी और जहाँ से मंदिर से नीचे देखना भी बड़ा कठिन था, तो थोड़ा सा बीम कॉलम के जरिए और पहाड़ी को काट काट के। इसमें आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि श्री गोकर्ण सिंह धामी जी हैं, जो कपकोट में हमारी एक बेटी है मालती बिष्ट, उनके हस्बैंड श्री गोकर्ण सिंह धामी ये मुंशारी के रहने वाले हैं। इनके सहयोग से एक सभागार जिसमें हम खड़े हैं बन चुका है, जिसमें कम से कम 70-80 लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं। और ये यज्ञशाला भी उन्हीं के सहयोग से बना हुआ है। यहाँ जब से भागवत हुआ है तब से लोगों का आना जाना बहुत बढ़ चढ़ के इस अनुष्ठान में लोग शामिल हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और अलग अलग भक्त हर दिन अपनी तरफ से भंडारा यहाँ भक्तों के लिए उनने इसी व्यवस्था की है। और कल ही यहाँ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में उनके जो परिजन हैं डॉक्टर शेर सिंह अठानी जी और आदरणीय हीरा सिंह अठानी जी जो अवकाश प्राप्त बैंक मैनेजर हैं, इन दोनों के सहयोग से यहाँ दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें भी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और भागवत कथा सुनने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा इसका आवागमन का रास्ता जो सबको मालूम भी होना चाहिए, एक रास्ता पहले डोटिला से चिरपत कोट के लिए है, 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। और दूसरा रास्ता पुल बाज़ार से उछात तक, ये सड़क यहाँ तक बन चुकी है। उसके बाद मंदिर की दूरी करीब 5 किलोमीटर पड़ती है और ये रास्ता बहुत दुर्गम है। सुनने में आया है कि उछात से तुली तक एक सड़क मंजूर है जो वन अधिनियम के कारण अटकी हुई है। यदि ये सड़क, इस सड़क का निर्माण हो जाएगा तो गणपत तक सड़क की सुविधा हमारे भक्तों को हो जाएगी। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।